हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये अभी दिसंबर जैन फैब सब एग्ज़ाम का टाइम है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ने इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके साथ न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम साथ में सीखेंगे ट्रेडोफाइटा। प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मैंने ब्रायोफाइट्स पे बना रख दी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ट्रेडोफाइटा, इस वीडियो में हम जनरल करेक्टर्स, कुछ करेक्टर फीचर्स हैं ट्रेडोफाइटा का, वो डिस्कस करेंगे। और जितना इस वीडियो में हो पाएगा उतना करेंगे, बहुत लंबी जाएगी तो हम सेकेंड पार्ट में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रेडोफाइटा की अगर बात करें, तो ट्रेडोफाइटा अगर इसको ब्रेक डाउन करें इसको, तो टेरॉन, टेरॉन मीन्स फीदर, और फाइटॉन, फाइटॉन मीन्स प्लांट, ऐसा प्लांट फीदर जैसा, ठीक है, फीदर जैसा प्लांट। जो टर्म टेरिडोफाइटा है, इसको प्रपोज किया किसने किया था, हैकेल ने प्रपोज किया था। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटस कॉल्ड टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी के फादर कौन है, एवोर। और इन फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कोई अगर कह पूछता है, तो आप बोल दीजिएगा एसएस बीर जी हैं, एसएस बीर जी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम अब तक जितना भी प्रीवियस वीडियो आपको याद हो, चाहे हमने एल्गी डिस्कस किया है, या फंगस डिस्कस किया, या ब्रायोफाइट्स डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि जो गैमेटोफाइट्स हैं, जो गैमेटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, अब तक उनका वही रहा है, मीन्स गैमेटोफाइट डोमिनेंट रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम हम देखेंगे डिप्लॉयड, डिप्लॉयड करेक्टर कौन शो करता है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी है, मतलब ये डोमिनेट, ये प्री डोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। सी, नो वन इज परफेक्ट। अगर आपको प्रॉब्लम है कि यहाँ कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कंसंट्रेट होके सुनिए, तो एक एक जितने भी पॉइंट लिखे हैं उतना मैं ट्राई करूँगी कि वो आपको इजीली आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट टाइम क्या है, ये स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी देखी गई। प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, कार्मोफाइट। क्या होती है, कार्मोफाइट। कार्मोफाइट मीन्स क्या, फर्स्ट टाइम हम ये, हाँ ये भी देखेंगे कि जो इनकी बॉडी है ये किस में डिवाइड हुई, ये डिवाइड हुई ट्रू लीव्स, ठीक है, ट्रू लीव्स में डिवाइड हुई, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट में। मतलब अब इनकी बॉडी किस में डिवाइड है, ट्रू लीव्स, स्टेम, रूट में डिवाइडेड है। और एक टर्म हमने लिखा वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। पहले तो वेस्कुलर क्या कहते हैं, वेस्कुलर किसको बोलेंगे, इसमें देखा गया कि इसमें क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल, मत मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, स्टीलर रीजन इसमें प्रेजेंट है। क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मीन्स इनमें ये अभी एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं बने हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा इज नॉट फ्लावरिंग प्लांट, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसको, इसके लिए क्या टर्म दिया, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टो मीन्स हिडन, ठीक है, गैमस मीन्स मैरिज। तो एक ऐसी जिसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, हिडन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, हिडन मैरिज है जिसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, हिडन होता है, अभी फ्लावरिंग प्लांट नहीं बना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो फर्स्ट टाइम ये वेस्कुलर बंडल इसमें डेवलप हुए, फर्स्ट टाइम हमने देखा इसमें स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी हुई, और ये फर्स्ट सक्सेस फुल लैंड प्लांट हैं। अभी ब्रायोफाइट क्या थे, ब्रायोफाइट तो एम्फीबियन थे ना, उनको एम्फीबियन थे, तो ये क्या है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये लैंड प्लांट है तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, अभी भी ये ज्यूडोगैमस ही है। और इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। टेरिडोफाइट को क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं, ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं। तो क्या ये वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स भी हैं? क्या है टेरिडोफाइट? वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स हैं। और देखिए एक और चीज़, इसमें एक चीज़ अपने दिमाग में और रखिए कि अभी मैंने क्या बोला कि इसमें क्या बनता है, स्पोरोफिल। ठीक है, फिर देखिए स्पोरोफिल जो होता है, स्पोरोफिल में क्या बनता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर मदर सेल जो क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। स्पोर्स बनाएंगी, स्पोर्स से क्या बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम जनरल करेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं ना टेरिडोफाइट का। स्पोरोफिटिक क्या है, जो प्लांट बॉडीज स्पोरोफिटिक मीन्स डिप्लॉयड। ठीक है, डोमिनेंट फेज रहेगा ये, डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें, रूट स्टेम ठीक है और लीव्स। रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड होंगे। द मैच्योर स्पोरोफाइट इज नेचुरली इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट। मीन्स ये दोनों, ये जो स्पोरोफिटिक है और जो गैमेटोफाइट हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इनडिपेंडेंट रहेंगे। ये बात भी अपने दिमाग में हमको रखनी है। ठीक है, और ये क्या हो गया कि इसमें ये होगा क्या कि ये जनरली क्रीपिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, क्रीपिंग नेचर के होते हैं टेरिडोफाइटा, इसीलिए इनको क्या बोला गया, इसीलिए तो इनको बोला गया ना रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। हाँ, और फर्टिलाइजेशन जो होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन वाटर से ही होगा, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ज्यूडोगैमस। ठीक है, ज्यूडोगैमस होते हैं, मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन वाटर के थ्रू होगा। फिर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, लेकिन जायगोट इसका मेन दिमाग में और ये भी रखना कि जायगोट इसका कैसे होगा, इसका जायगोट वो भी क्या होगा, वो भी जब स्पोरोफाइट क्या है, मेन प्लांट है, बॉडी है, तो जो जायगोट होगा वो भी क्या होगा, 2N नेचर का होगा। फिर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर स्पोरोफाइट, तो जो मेन प्लांट बॉडी होगी, इसकी मेन प्लांट बॉडी वो क्या होगी, 2N नेचर का होगा। ठीक, इसको हमें दिमाग में नहीं मतलब नहीं निकालना, अपने दिमाग में इसको रखना है। ठीक है, और अब इंडिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन लेकिन डिपेंडेंट कब होता है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, सिर्फ जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा। जब क्या होगा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा तो क्या हो जाएंगे, तब थोड़ी टाइम के लिए ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, डिपेंडेंट होगा। ठीक, अब अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कितने क्लासिफिकेशन अगर हम टेरिडोफाइटा का करें, टेरिडोफाइटे का, तो देखिए क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास फर्स्ट क्या होगा, सिलोप्सीडा। ठीक है, पी साइलेंट है, सिलोप्सीडा, जिसका एग्जांपल क्या है, सिलोटम और राइना। सेकेंड क्लास सेकेंड लाइकोप्सिडा, जिसका लाइकोपोडियम, दिमाग में ये तो नहीं भूलना है, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम। ठीक, थर्ड क्लास क्या, स्फेरनोप्सिडा, जिसका एग्जांपल क्या, इक्विसिटम। फोर्थ इज टेट्रोप्सिडा, जिसका फर्न तो हम भूलेंगे ही नहीं, फर्न और टेरिस किस में आएगा,
टेरोप्सिटा में आएगा। टेरोप्सिटा में कौन आएगा? फर्न और टेरिस। तो देखिए नेम जिसमें जिसका जिसका मिलता है अपने दिमाग में रखें, सिलोप्सिडा सिलोटम, सिलोप्सिडा सिलोटम राइना, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, इस फैनोप्सिडा इक्विसिटियम और इक्विसिटम, और टेट्रोप्सिडा जिसमें टेरिस आ गया और क्या फर्न आ गया। अगर हम बात करें इनकी ओरिजिन की, तो जो सिलूरियन पीरियड था, ठीक है, जिस सिलूरियन पीरियड ऑफ पहले जो कीड़ा जिसमें इनका ओरिजिनेशन देखा गया, और लेकिन जो इनका मोस्ट डोमिनेंट कब हुए ये डोमिनेंट हुए डिवोनियन पीरियड में। ये भी कभी कभी एक नंबर में या फिर जो एमसीक्यू नहीं आते हैं, एमसीक्यू मैं पेपर देती थी तो फिलहाल एमसीक्यू आते थे, अब मुझे नहीं पता कि अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अभी शायद शॉर्ट वेरी शॉर्ट ही आ रहे हैं, नहीं अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है, हाँ तो ये आ रहे एमसीक्यू, तो उसमें आते हैं एक नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, जो टेरोप्सिडा है जिसमें फर्न आ रहा था वो क्या है? टेरिडोफाइटा का एडवांस्ड क्लास है। ठीक है, अब हैबिटेट देखिए, अगर हैबिटेट तो देखिए मोस्टली ये टेरिस्ट्रियल है, शेडी डैम प्लेसेस पे पाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। एक्वाटिक भी होते हैं कुछ, जैसे कि एजोला है, मार्सिला है, शाल्विनिया है, कुछ जीरोफिटिक भी होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं जीरोफिटिक भी होंगे, जैसे सिलेजिनेला है और क्या है सिलेजिनेला रुपेस्टरिस, ठीक है, सिलेजिनेला रुपेस्टरिस, ये एक में ही है जीनस है और स्पीसीज है। क्लाइंबर क्या होंगे? कुछ ऐसे भी तो होंगे जो क्या करेंगे, क्लाइंब करेंगे, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, लाइगोडियम, याद करिएगा कि लाइगोडियम के पास पैर नहीं है तो क्या करेगा, वो दूसरे पे क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसका स्टेम क्या होगा, क्लाइंबर नेचर का होगा। ठीक है, फिर अभी देखिए इसके जो अभी इसके लीफ के बेसिस पे अगर हम देखें, इसके लीफ के बेसिस पे टेरिडोफाइटा के, तो देखिए इसके जो लीव्स होती हैं, एक मिनट इसका मैं डायग्राम सोच रही थी, अभी मैं डायग्राम मैं आपको खुद ऐसे बना के दिखा देती हूँ। ठीक, टेरिडोफाइटा में देखिए दो तरह के लीव्स होती हैं, एक मेगाफिलस एक माइक्रोफिलस। मेगाफिलस वो लीव्स होती है जो लार्ज होती हैं, ठीक है, जो लार्ज लीफ होती हैं वो क्या होती है, मेगाफिलस होती है। मेगाफिलस और उनका क्या होता है कि देखिए वो कंपाउंड लीफ है, ये क्या होती है, ये मेगाफिलस क्या होती है, कंपाउंड होती है, ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें वेनेशन प्रेजेंट होता है। और जैसे कि अभी आपने को फर्न के लीफ में अभी दिखाती हूँ, तो उसमें वो उसको क्या बोलते हैं, मेगाफिलस होती है, ठीक है। अगर माइक्रोफिलस की बात करें तो माइक्रोफिलस जो टेरिडोफाइटा होती है ये स्मॉल लीफ होंगी, ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल होती है, इसमें पेट्यूल नहीं होगा, ठीक है, पेट्यूल नहीं होगा, इसमें ना भी पेट्यूल होगा और सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल मिडरिब होगी, ठीक है, इसमें सिंगल मिडरिब होगी, ठीक, सिंगल मिडरिब होगी, और ये क्या हो गई, ऐसी ये हो गई माइक्रो, और अगर इसमें वेनेशन पाया जाता तो ये क्या हो गया, जाता मेगाफिलस। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका एग्जांपल है, अगर मेगाफिलस की बात करें तो मेगाफिलस का एग्जांपल तो फर्न हो गया। अच्छा, फर्न की लीफ का एक करेक्टरिस्टिक होता है, फर्न जो का होता है कि इसके जो लीव्स होती है वो सरसिनेट वर्नेशन होता है, ठीक है, उसमें सरसिनेट वर्नेशन होता है। फर्न में पढ़ाऊंगी तो पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगी। और माइक्रोफिलस का एग्जांपल क्या, माइक्रोफिलस का लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ठीक है। अच्छा, एक और करेक्टर रखिए दिमाग में भी, यहाँ पे जब महा माइक्रो हम पढ़ रहे हैं
जो ये होगी ठीक है, यहीं पे एक ऐसे करेक्टर पाया जाएगा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिग्यूल। क्या बोलेंगे इसको? लिग्यूल बोलेंगे, इसको लिग्यूल बोलेंगे। ये प्रेजेंट होता है सिलिजनेला में। अब इसके स्पोर की बात करें, देखिए स्पोर इसमें दो टाइप से पाए जाते हैं। इसमें एक तो होमोस्पोरस होते हैं, जो स्पोर सेम होंगे ठीक है, जिनकी साइज सेम होगी तो वो उनको क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस ठीक है। होमो मीन्स सेम, तो जिसका एग्जांपल क्या होगा, लाइकोपोडियम। और जिसके स्पोर डिफरेंट साइज में पाए जाएंगे ठीक है, जिसके स्पोर क्या होंगे डिफरेंट साइज में पाए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो मींस क्या होता है, हेट्रो मींस ही जो डिफरेंट, जिसके स्पोर मतलब एक जैसे ना हो डिफरेंट। तो इसमें कुछ लार्जर हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, स्मॉलर हो सकते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट की हो गई है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। टर्डोफाइटा का भी बहुत ज़्यादा पूरा स्टीलर सिस्टम बचा है, इसकी लाइफ साइकिल हम करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके क्योंकि उसमें थोड़ा डायग्राम का है, तो मैं स्टील के कैसे अरेंजमेंट होता है फ्लोएम जाइलम का और स्टील की टाइप्स भी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बस इतना अभी मैं आप जान लीजिए कि इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं इसमें सिर्फ ट्रेकिड्स होता है, वेसल्स नहीं होती, एब्सेंट होती है। और फ्लोएम में सिर्फ सीव ट्यूब होती है, सीव सेल होती है, सीव ट्यूब नहीं होती है, कंपेनियन सेल भी नहीं होती है। ये सब हम थ्रू डायग्राम सब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करिए, या नहीं अगर सब्सक्राइब किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।